प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं। प्री बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी जो कि 6 अप्रैल 2021 को आपका एग्ज़ाम हो चुका है और ये इवनिंग शिफ्ट यानी कि बॉयज़ वालों का पेपर है। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है और अपने आंसर मैच करने हैं। अगर आप मॉर्निंग यानी कि गर्ल शिफ्ट से हैं तो आप इस वीडियो से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पेपर आपको 2-3 तरह की, अगर आप पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ ही अगर आप गर्ल शिफ्ट का पेपर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से गर्ल शिफ्ट का पेपर भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है यार, पुराना रिक्वेस्ट आपसे, और शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों को। साथ में इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये व्यावहारिक ग्रामर है और तीसरा सवाल था आपके पास, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने है ना। तो मैं आपको 5 ही बताऊंगा। पहला सवाल था कि सुरेश विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर या किस टाइप का भेद है ना, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त या साधारण है। तो देखो ये तो बड़ा आसान था, आपको भी आसान लगा होगा, ये बिल्कुल सरल है, सरल वाक्य है। और दूसरा सवाल है, उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया, इसका सरल वाक्य में रूपांतरण, तो इसे सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका सिंपल सा है आपका सेकेंड ऑप्शन यानी कि खा, झूठ बोलने पर उसने दंड पाया। क्लियर। तो अगर आपने खा पे टिक लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, और ये है जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। इसमें आपने आश्रित उपवाक्य किए भेद बताना है कि आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऐसे ऑप्शन तो आपने बिल्कुल डिलीट कर देने, इनमें से कोई नहीं वाला। तो अब आपने इसका जो सही आंसर है, अगर आपने विशेषण उपवाक्य पे टिक लगाया था तो आपका बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो मेहनत करना और सफल होना, तो ये कहीं ना कहीं विशेषण, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो विशेषता वाली बात कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये विशेषण वाला उपवाक्य है। और चौथा सवाल है, इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का। तो देखो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता, ठीक है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य वाला है। और ये देखो, मॉनिटर ने कहा कल की छुट्टी होगी, तो ये आपका क्या है, मिश्र वाक्य है। ये दोनों आपके सरल वाक्य हैं, तो आपका जो संयुक्त है वो सिर्फ एक ही बचता है। और पांचवा जो सवाल है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है ना। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, खा वाला, मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। लेकिन ये वाक्य भी अधूरा है, यहाँ पर इसे होना चाहिए था, आगे लग जाना चाहिए था यदि, है ना। तो यदि मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो कई बार पेपर बनाने वाले भी गलती कर जाते हैं, हो जाती है, तो इसे यदि से जोड़ना था, तो ये वाक्य जो है कन्फर्म हो जाता। और चौथा जो प्रश्न है वो देखते हैं, निम्नलिखित 5 में से फिर से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं ना। तो 4 आपको इसमें से करने हैं। पहला है, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, इस वाक्य में वाच्य, तो पहले वाला था वाक्य, अब आ गया आपके वाच्य, तो ये कौन सा वाच्य है, तो ये आपका भाववाच्य है, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। अगला देखो, कर्मवाच्य का वाक्य चुन करके लिखना है, इनमें से कर्मवाच्य कौन सा है। तो देखो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, राघव द्वारा कविता पढ़ी गई, ठीक है। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है आपको, क्योंकि से और के द्वारा जुड़ता है और बाकी सवालों में से के द्वारा कहीं भी नहीं है, तो ये सिंपल सा ही आपका कर्मवाच्य है। और अगला जो सवाल है, मुझसे उठा नहीं जाता, इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है, मुझसे उठा नहीं जाता, ठीक है। तो इसका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि मैं उठ नहीं सकता। ध्यान देना आपने कि यहाँ पर देखो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, तो जब आप बदलोगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी सेंस में आपको सेंटेंस होना चाहिए, जो वाक्य होना चाहिए। और अगला है भाववाच्य, भाववाच्य का उचित विकल्प कौन सा है, तो इनमें से अपने भाववाच्य बताना है कि कौन सा है। तो भाववाच्य आपने जो, अगर ग पे यानी कि मोहन से दौड़ा नहीं जाता, अगर आपने ये वाला ऑप्शन पे टिक लगाया तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। और अगला जो है पांचवा, हम इतने दुख नहीं सह सकते, इसे भाववाच्य में बदलना है। तो इसके सारे जो सेंटेंस है चारों वो मैंने देखे, तो मुझे चारों ही गलत लगे। इन चारों में कोई भी भाववाच्य वाला नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर घुसेंगे तो हमें ग वाला आंसर लगेगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, यह अधूरा है, क्योंकि यहाँ पर जो ग ऑप्शन सही है वैसे, क्योंकि और तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो दुख है वो कर्म है, तो यहाँ पर दुख नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए कि हमसे इतना नहीं सहा जाता। दुख अगर लग गया तो वो कर्मवाच्य बदल गया, लेकिन क्या करें, सेंटेंस ही गलत है, तो हमें इसका ग वाला अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और पांचवा सवाल है, फिर से 5 में से 4 लिखने हैं, पद परिचय। और अगर आपको ग्रामर की कोई भी टॉपिक का वीडियो देखना हो, समझना हो, तो मेरे चैनल पे हमारे मिल जाएगा आपको लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। चाहे आपको वाच्य का चाहिए, चाहे आपको वाक्य का चाहिए, चाहे पद परिचय समझना हो या रस समझने हो, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखो पद परिचय में रमेश 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, इसमें रमेश का पद परिचय करना था, तो रमेश क्या है आपका, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, रमेश है, उसके बाद पुल्लिंग है, नो डाउट कि रमेश पुल्लिंग है, एक वचन भी है, सिंगुलर नंबर है, और कर्ता कारक है, काम को करने वाला। तो ये सभी ऑप्शन किस में है, ग में, तो बिल्कुल ग आपका बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद देखो जो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, अब देखो वह क्या है, ये वह तो ये सर्वनाम है, तो देखो इसमें से आपको 2 ऑप्शन, तो ये संज्ञा वाला है तो नहीं होगा, ठीक है, ये वाला भी संज्ञावाचक है तो नहीं होगा, अगला वाला विशेषण है। अब क्या हमारे पास एक ही बचा है, ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। तो कई बार हम डिलीट वाले ऑप्शन से भी आंसर को सही कर देते हैं। और उपवन में सुंदर फूल खिले, तो यहाँ पर जो खिले शब्द है, खिले पद है, उसका आपने पद परिचय करना है। तो देखो इसका क्या है, सबसे पहले क्रिया है ये, है ना, तो आप देख रहे होंगे कि क्रिया तो सभी में ही है। अब आपको आगे बढ़ना है तो ये बहुवचन है, ठीक है। और दूसरा है ये सकर्मक क्रिया, क्योंकि फूल यहाँ पर कर्म है, तो हमारा क ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, बाजार से कपड़े लाओ, इसमें लाओ शब्द जो है उसका परिचय करना था, तो इसका अगर आपने ख ऑप्शन लगाया है टिक, तो बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है, कपड़े इसमें कर्म है और लाना इसमें क्रिया है, वर्तमान काल है और बहुवचन है। इसमें एक और शब्द इन्होंने नहीं जोड़ा, आज्ञावाचक, है ना, तो क्योंकि लाओ, आओ, जाओ, ये क्या है, आज्ञावाचक है, तो जोड़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, पेपर बनाने वाले आखिर कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, और मैं तो मैं ही हूँ, है ना। चलिए आगे, पांचवा जो सवाल है, गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो गंगा एक पार्टिकुलर किसी नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये एक वचन भी है, स्त्रीलिंग है गंगा, है ना, गंगा स्त्रीलिंग है, तो ये ऑप्शन हमें सबसे लास्ट वाले में ही फिट बैठता है, घा वाला बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम बढ़ते हैं रस की तरफ, 5 में से फिर से 4 करने हैं। पहला सवाल, किस रस का स्थायी भाव क्रोध है, बड़ा सिंपल सा है, तो क्रोध किसका है, रौद्र का। वीर का क्या, उत्साह है। करुण का क्या है, शोक है। और भयानक का भय है, तो किस रस का, तो ये रौद्र रस का। आगे देखो, वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर का मैंने अभी बताया आपको उत्साह है, तो ये वीर का उत्साह है। और आगे देखो, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तो तनिक मुझे आराम न दे, तो इसमें आपने रस बताना है। तो देखो इसको पढ़ने से रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, है ना, तो रोंगटे खड़े होने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें उत्साह की बात आ रही है, तो वीर रस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो सवाल है कि घृणा के कारण किस रस की उत्पत्ति होती है, तो घृणा यानी कि विभत्स, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, तो है ना, क्लियर हो गया। श्रृंगार रस के 2 भेद, तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार जहाँ पर कि प्रेमी प्रेमिका का, नायक नायिका का, हीरो हीरोइन का मिलन होता है, जहाँ पर प्रेम मिलने के कारण हो, और वियोग में जहाँ पर बिछड़ने के कारण प्रेम हो, जैसे कि बागवान मूवी में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, लेकिन प्रेम उनका फिर भी बना होता है। और बाकी सभी हीरो हीरोइन का संयोग वाला तो देखते ही है ना, आंखों में आंखें डाल देख ले। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, कुछ और डिमांड हो तो मुझे आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। और अगर आपको इसके बाकी के भी आंसर चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपको पूरे पेपर का भी बता सकता हूं। बट मुझे लगा ग्रामर ज़्यादा टफ रहता है, बाकी के भी ज़रूर अगर आपकी डिमांड हो तो मैं बताऊंगा आपको। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।